औज़ु बिल्लाहि मिन शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हिकल सुलेमानी, कुरान शरीफ में इसका जिक्र बतौर मस्जिद आया है और 17 तवील सालों तक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने बैतुल मक़दस की तरफ रुख करके नमाज अदा फरमाई कि यहूदियों को ये पैगाम दे सकें कि उस खुदा ने जिसने मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा था उन्हें भी, यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नबी बनाकर भेजा है। और फिर कुरान नाजिल करता भी वही खुदा है जिसने तौरात भेजी थी। आज तमाम दुनिया की सियासत को समझने के लिए यरूशलम को गहराई से जानना जरूरी है, क्योंकि जब आप आज की दुनिया की इस कलीद यानी यरूशलम को जब तक अच्छी तरह ना जाने, जिस पे डील ऑफ सेंचुरी के हवाले से दुनिया की बड़ी ताकतें इस वक्त यकसू होके अपने मंसूबों को एक हतमी शक्ल दे रही हैं, असर हाजिर या मुस्तकबिल की सूरतगरी आपके लिए नामुमकिन होगी। अगर आप दुनिया की इस कलीद यानी यरूशलम को अच्छी तरह ना जान लें, गोया बहुत कुछ ना समझ पाएंगे, क्योंकि ये शहर जो कि मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों तीनों के लिए अहम तर है, उसकी अहमियत क्या है, तारीख के खात्मे, आखिरुज़्ज़मां और वक्त के इख्तिताम की जानिब ये जो मुतजाद दावों का मरकज है वो इंतहाई अहम किरदार अदा करेगा। शायद आम तरीन यहूदियों को यकीन है कि यही वो बस्ती है जहां उनको मसीहा, अपने मसीहा का उसकी आमद का इंतजार है, जिसके बाद उनके सुनहरे दौर का आगाज होगा और वहीं से बैठ के वो मसीहा सारी दुनिया पर राज करेगा। यह अकीदा ईसाइयों से बिल्कुल मुख्तलिफ है, क्योंकि ईसाई ये कहते हैं, उनका यह ईमान है कि जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वापस तशरीफ लाएंगे तो यरूशलम ही वो जगह होगी, वो मकाम होगा जहां से वो ईसाइयों के तमाम अकायद यानी तसलीस और सलीब की तस्दीक करेंगे। जबकि मुसलमानों का यकीन यह है, ईमान यह है कि यरूशलम का मुकद्दर लिखा जा चुका है और वो तहरीर है, और वो यह है कि वो इस्लाम के दीन हक को सच्चा साबित करके ईसाइयत और यहूदियत का एक मरकज होगा, उस जगह तस्दीक होगी आखिरुज़्ज़मा से पहले, क्योंकि ये तीनों ही मज़ाहिब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से वाबस्ता होने के बावजूद शदीद इख्तलाफात भी रखते हैं, तो इसलिए यकीनन इनमें से सच्चा तो एक ही होगा। यरूशलम दुनिया के कदीम तरीन शहरों में से एक है जो कि अपनी 4000 साल तारीख में कम से कम दो बार मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद हुआ। इस पे तारीख में 52 हमले और ये 64 बार मुख्तलिफ कौमों के कब्जा यहां पे बयान होता है। ये तल अवीव और बहर रोम, जिसे मेडिटेरियन सी कहते हैं, उससे कुछ 60 किलोमीटर ये मशरिक की जानिब बहर मुर्दार या डेड सी की तरफ से आप लें तो ये 33 किलोमीटर के फासले पे जबल यहूदा के पहाड़ों पे वाकया घिरा हुआ है पहाड़ों में। यहूदियों के लिए ये गुजरे 3000 सालों से, ईसाइयों के लिए 2000 और मुसलमानों के लिए 1400 साल से मुकद्दस और अहम तरीन है। 8 लाख आबादी का ये यरूशलम शहर, यहां 64% 64% यहूदी, 32% मुसलमान और सिर्फ 2% यानी 2% ईसाई रहते हैं। यहूदियों के यहां पे कोई 1204 इबादत खाने, जबकि ईसाइयों के तकरीबन 160 चर्चेस या गिरजाघर और मुसलमानों की यहां पे 73 मसाजिद मौजूद हैं। तौरात में तो नहीं, लेकिन अंजील में हैकल सुलेमानी का जिक्र कुछ 632 बार हुआ है, और उसकी मगरबी दीवार जहां आज जो कि आज यहूदियों के लिए दुनिया में कुर्रे अर्थ का मुकद्दस तरीन मकाम है। यरूशलम को समझने के लिए जरा कुछ देर रुक के
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में चलते हैं ताकि माजी के झरोकों से ज़रा कुछ हाल और मुस्तकबिल को समझने में आसानी हो जाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अबुल अंबिया यानी तमाम नबियों का बाप भी कहते हैं क्योंकि उनके बाद आने वाले तमाम नबी तमाम पैगंबर उन्हीं की नस्ल से थे और तभी हम उन पे और उनके बाद आने वाले तमाम अंबिया पे यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम और आले इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर अपना दरूद व सलाम भेजते हैं, इसे फर्ज समझते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान तकरीबन 3000 साल का फर्क बयान होता है। नमरूद की आग से महफूज हो जाने के बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम इराक से अपने भतीजे हजरत लूत अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह के हुक्म से अर्ज़ मुकद्दस की तरफ हिजरत कर गए थे और अल्लाह ताला ने दुनिया तमाम दुनिया में जमीन का ये जो टुकड़ा मुंतखब किया उसे अर्द मुकद्दस करार दिया और तय कर दिया कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दीन वहीं रहेगा। गोया अल्लाह ताला ने जब तय कर दिया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दीन वहां रहेगा तो फिर वक्त के खात्मे से पहले आखिर जमा में दीगर मजाहिब वहां मौजूद नहीं होंगे क्योंकि सिर्फ हक और सच का दीन ही अर्द मुकद्दस का नसीब होगा। यरूशलम की तकदीर में यह लिखा जा चुका है कि वो हक और सच की तस्दीक होगा यानी वो शहर गवाही देगा, वो मकाम गवाही देगा। आज यरूशलम के दरो दीवार देख के बहुत से माहिरीन आसार कदीमा उस पुरानी बस्ती में दफन वो इमारतें तलाश करते हैं जो बारहा उजड़ने के बायस अब नजरों से दूर हो चुकी हैं, उजड़ हो चुकी हैं, लेकिन वहां जाने के बाद इंसान के जहन में उनका तसव्वुर जिंदा हो जाता है, एक खाका होता है कि यहां कभी क्या कुछ था। पहली बार यह शहर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में तामीर हुआ जिनका नाम मुबारक कुरान में 16 मरतबा आया है और जो पहले पैगंबर हैं यानी दाऊद अलैहिस्सलाम जिन्हें बादशाहत भी अता हुई। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम के अलावा वो वाहिद पैगंबर हैं जिन्हें कुरान में खलीफा के नाम से पुकारा गया। उन्हें बादशाहत अता होने से हजारों साल कबल मसीह बनी इसराइल से फलस्तीन के अक्सर इलाके छीने जा चुके थे। हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम जब हुक्मरान थे लेकिन बहुत ज़ईफ हो चुके थे तो बनी इसराइल ने दुश्मनों के मुकाबले पर दुआ की अल्लाह ताला से कि या अल्लाह उनकी मदद के लिए कोई बादशाह भेज क्योंकि हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम बहुत ज़ईफ हैं। तो फिर हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम ने हुक्म इलाही के मुताबिक 30 साल तालूत को उन पर बादशाह मुकर्रर कर दिया। तालूत को बेशतर उलमा पैगंबर तस्लीम नहीं करते और इंजील में उन्हें सावल के नाम से पुकारा गया है। तालूत की बादशाहत की निशानी के तौर पे फरिश्तों के जरिए वो ताबूत सकीना बनी इसराइल को वापस मिल गया और तभी चंद उलमा उन्हें बनी इसराइल का एक पैगंबर भी तसव्वुर करते हैं। ताबूत सकीना क्या है? क़िसस-उल अंबिया के मुताबिक उसमें तौरात का असल नुस्खा, पत्थर की दो तख्तियां जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे सीना पे दी गई थीं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम के आसा और पैरहन और एक बर्तन जिसमें मनोसलवा महफूज था ताकि आने वाली नस्लें अल्लाह ताला के उस एहसान को याद रखें जो उन पर सहरा में भटकने के दौरान फरमाया गया था, वो सब ताबूत सकीना में मौजूद हैं। दाऊद अलैहिस्सलाम ने एक कमसिन नौजवान के तौर पे तालूत के लश्कर में उस वक्त शमूलियत इख्तियार कर ली जब दुश्मन फलस्तीनियों का एक बहुत बड़ा पहलवान इसराइलियों को मुकाबले की दावत दे रहा था और किसी में इस बात की हिम्मत नहीं थी कि तमाम इसराइली लश्कर के अंदर जितने भी लोग मौजूद थे कि वो उस पहलवान का सामना कर सकें। इस मरहले पर दाऊद अलैहिस्सलाम उनके सामने उतरे और उस पहलवान को कत्ल कर डाला। इस बेमिसाल जुरत के मुजाहरे ने दाऊद अलैहिस्सलाम को तमाम बनी इसराइल की आंखों का तारा बना दिया और तालूत ने अपनी बेटी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से बयाह दी और फिर कुछ अरसे के बाद वो इसराइलियों के हुक्मरान हो गए। अल्लाह ताला ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को नबूवत से भी सरफराज किया और फिर बादशाहत भी अता की और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने यरूशलम शहर की बुनियाद भी रखी और वहां एक अजीम शान महल की
तामीर भी शुरू की ताकि वहां पर ताबूत सकीना को महफूज किया जा सके। लेकिन इजरायलियात के मुताबिक हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को बता दिया गया था कि उनका यह महल जिसे वो तामीर करने जा रहे हैं उनकी जिंदगी में नहीं बल्कि उनके बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में ही जाके मुकम्मल होगा। चुनाचे तामीर जारी रही कई साल तक और वो चूंकि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में मुकम्मल हुई इसीलिए उसे हैकल सुलेमानी या किंग सोलोमन टेम्पल या फर्स्ट टेम्पल कहते हैं। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल पे 40 साल हुकूमत की और फिर उनके साहबजादे ने यानी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिनकी हुक्मरानी का मुनफरद इम्तियाज ये था कि वो हैवानात भी उनके ताबे थे और जिनका कुरान मजीद में 17 मकामात पे जिक्र है और जिनकी सल्तनत के बारे में कुरान शरीफ की आयत के ए मेरे परवरदिगार मुझे बख्श दे और मेरे लिए ऐसी हुकूमत अता कर जो कि मेरे बाद किसी के लिए भी मुयस्सर नहीं, बिशक तू बहुत अता करने वाला है। इजरायली रवायत के मुताबिक हैकल सुलेमानी की तकमील को 7 साल लगे। उनका यह भी अकीदा है कि हैकल सुलेमानी 410 साल तक अपनी जगह पर मौजूद रहा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद बनी इसराइल आपस में लड़ पड़े, लड़ाई हो गई, जंगो जदल और नतीजतन दो रियासतें यानी शुमाली फलस्तीन में सल्तनत इजराइल और जनूबी फलस्तीन में सल्तनत यहूद कायम हो गई। दोनों सल्तनतों में खूनरेजी हुई और फिर सातवीं सदी कबल मसीह में हाशवी फातहीन ने सल्तनत इसराइल का खात्मा कर दिया और कुछ ही साल बाद यानी 587 कबल मसीह में बाबुल के बादशाह बख्त नसर ने सल्तनत यहूद की भी ईंट से ईंट बजा दी और हैकल सुलेमानी को इस तरह पैवंद खाक किया कि उसकी एक दीवार तक अपनी जगह पर मौजूद ना रही और वह ताबूत सकीना ऐसा गायब हुआ, वो साथ लेके ऐसा भागे वो लोग कि आज तक वह ताबूत सकीना ही नहीं मिला। अब यहूदियों को वहां से पूरे इलाके से यानी दोनों सल्तनतों से शुमाल और जनूब वहां से बाहर निकाल दिया गया। 70 साल बाद ईरानी बादशाह साइरस आजम ने फिर यरूशलम को दोबारा तामीर करके यहूदियों को वहां पे आने की जगह दे दी। उन्होंने फिर हैकल सुलेमानी की तामीर शुरू कर दी। बादशाह ने जो कि तारीख में इंतहाई जालिम हुक्मरान के तौर पे याद रखा जाता है और जिसने कई यहूदी पेशवाओं के अलावा खुद अपने ही खानदान को भी कत्ल कर दिया था, यहूदी मौरखीन के मुताबिक ये हैकल सुलेमानी की दूसरी तामीर थी जिसकी उसने इजाजत दी, लेकिन यह भी सिर्फ 430 साल तक अपनी जगह पे कायम रह सकी और वो ताबूत सकीना को ढूंढते रहे कि उसे लाके दोबारा इस दूसरी तामीर में रखें जो कि बख्त नसर की तबाही के वक्त गायब हो गया था, लेकिन वो भी इस तमाम अरसे में वापस नहीं लाया जा सका। लोग उसे ढूंढते रहे और ये महल जो दोबारा तामीर हुआ था ये भी उसके बाद फिर रोमन बादशाह टाइटस के हाथों तबाह होकर फिर खत्म हो गया। जब यहूदियों ने रोमनों के खिलाफ ये इसलिए तबाह हुआ कि यहूदियों ने रोमनों के खिलाफ एक बगावत की नाकाम कोशिश की थी और बयां होता है कि उसके बाद तकरीबन 1.5 लाख यहूदियों को कत्ल भी कर दिया गया था और हजारों को पकड़ के एम्फीथिएटर्स में जानवरों के आगे रोमन्स ने डाल दिया था और फिर कोई भी यहूदी वहां पर यह बताने के लिए बचा ही नहीं था कि हैकल सुलेमानी है कहां या ताबूत सकीना कहां गायब हो गया था। अक्सर यहूदी माहिरीन जो तारीख के हैं उनको यकीन है कि ये मौजूदा दीवारी गरिया जो है ये हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हैकल की नहीं है, ये पहले हैकल की दीवार नहीं है जो तबाह हो गया था, ये उस हैकल की दीवार है जो दूसरी बार तामीर हुआ, ये उसकी दीवार है और ये उसके आसार हैं जिसे यूमन्स ने तबाह किया था। लेकिन वो ताबूत सकीना जो पहले हैकल के वक्त गायब हो गया था वो आज तक नहीं मिल सका, कहां हो सकता है? एक वक्त के बाद गुफ्तगू जारी रखते हैं।